हेलो गाइज एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमारी रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 स्टेल्स ब्लैक का। तो गाड़ी लेके ऑलमोस्ट हमें जो है यहाँ पे 4 महीने हो चुके हैं। नवंबर मंथ में हमने जो है गाड़ी को परचेस किया था। ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी का जो है अभी तक हमें रिव्यू बहुत ही अच्छा देखने को मिला। हमने जो है यहाँ पर इसका साइलेंसर भी चेंज किया था, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये वाला जो साइलेंसर है ये है मिनी पंजाब, और यहाँ पे जो है हमने इसको हॉर्न भी चेंज किए थे यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल प्राइस की बात करेंगे तो 2,80,000 के आसपास जो है हमें इसकी प्राइस देखने को मिली थी ऑन रोड, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेसरीज के साथ में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो आप सीट देख रहे हो ये भी हमने मिटाया था, और साथ ही साथ में हमने यहाँ पर ये जो लेग गार्ड है ये भी हमने यहाँ पर फिट किया था। तो किलोमीटर्स ड्रिवन की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑन कर लेते हैं एक बार यहाँ पर, ओके आप यहां पे देख सकते हो 3100 जो है गाड़ी टोटल चल चुकी है। तो ओवरऑल सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या हमें इसका परफॉर्मेंस में देखने को मिला। वाइब्रेशंस की बात करेंगे तो वाइब्रेशंस पहले के क्लासिक के हिसाब से इसमें जो है हमें ना के बराबर देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात करेंगे इसके माइलेज की, सबसे बड़ा सवाल जो रहता है यही रहता है, सबसे बड़ा फैक्टर यही रहता है, क्योंकि जो भी रॉयल एनफील्ड के ओनर होते हैं माइलेज इसमें जो है हमें 40 प्लस ही देखने को मिला है अब तक। तो गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा, और गाड़ी ज़्यादा हाईवे पे यूज़ नहीं होती है, हम ज़्यादा सिटी में ही इसको ड्राइव करते हैं। और भी अगर आपको कोई डाउट या कोई सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डुअल चैनल ABS के साथ में हमें जो है गाड़ी देखने को मिलती है। मैं आपको यहाँ पे इसके एग्जॉस्ट का साउंड आपको सुनाना चाहूँगा। गाड़ी को एक बार यहाँ से ऑन कर लेते हैं, न्यूट्रल ही है गाड़ी यहाँ पे, ठीक है। तो ऑन कर लेते हैं गाड़ी को, गाड़ी को ऑन करने के बाद किस तरह से हमें जो है इसका एग्जॉस्ट सुनाई देता है, ठीक है। गाड़ी जो है हमने ऑन कर ली है, थोड़ा सा आपको बाहर का भी वॉइस आ रहा होगा तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं इसका वॉइस। ठीक है, पहले के क्लासिक के हिसाब से ही सेम हमें इसमें भी वॉइस देखने को मिलता है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया हमें इसमें देखने को मिली है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है गाड़ी के रिलेटेड, आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें पूछ सकते हैं। और टैंक पे जो है ये वाला स्टेल्थ ब्लैक में ये वाला जो रेड टैपिंग हमें देखने को मिलती है, इसकी वजह से गाड़ी का और भी ज़्यादा लुक बहुत ही अच्छा एनहांस होते हुए हमें दिखाई देता है। और पीछे के साइड में भी आप रिम पे देख सकते हो इस तरह का जो है रेडियम का राउंड शेप में हमें यहाँ पे टैपिंग देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी फ्रंट वाले टायर पर भी जो है हमें देखने को मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ पर जो है इसका निकल चुका है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आज तक भी जो है बहुत ही बढ़िया देखने को मिली। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।